हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बढ़िया, मैं लेकर आ गया हूँ मोशन इन वन डायमेंशंस का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्टूडेंट्स को समझने में इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, जिसको मैं कोशिश करूँगा इस तरीके से समझाने की कि आप लोगों को डिफ़िकल्टी ना आए। ठीक, देखो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है बच्चों। रिलेटिव वेलोसिटी है एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरी बॉडी से जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तब। सारी ही वेलोसिटीज रिलेटिव होती हैं। जैसे अगर मैं इस रूम में चल रहा हूँ, है ना, इस रूम में मैं चल रहा हूँ और मेरी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड से ये किसके रिस्पेक्ट में है? रिस्पेक्ट में बोलना ज़रूरी है। तुम कहोगे नहीं सर, 5 मीटर पर सेकेंड है, किसी के कंपैरिजन में नहीं है। बट कंपैरिजन में है। तुम इसी रूम में खड़े हो, तुम मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो तुम कहोगे कि मैं 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे अर्थ के बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो बोलेगा कि 5 मीटर पर सेकेंड से तो आप चल रहे हो, लेकिन अर्थ भी चल रही है। तो उसको जो मेरा रिजल्टेंट दिखेगा, वो अर्थ का और मेरा जो इस रूम में चलने का कंबाइंड मोशन है, उसका कुछ दिखेगा। तो वही वेलोसिटी जो रूम में खड़े हुए ऑब्जर्वर के लिए मेरी 5 मीटर पर सेकेंड थी, वो अर्थ के बाहर से ऑब्जर्व करने पर कुछ और होगी, है ना। पर ये तो हम लोग बहुत दूर निकल गए। हम लोग छोटी सी बात लेते हैं, जैसे सिंबल। सबसे पहले तो सिंबल समझ लें। हम सिंबल इसको देंगे VAB। V से वेलोसिटी, A जो हमने पहले लिखा है यानी कि A की वेलोसिटी, और B, B मतलब जिस बॉडी से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी, यही हमारा सिंबल फिक्स रहेगा यहां पे, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। मतलब कि A जो है वो तो बॉडी है जिसकी वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है, और विद रिस्पेक्ट टू लिखा है ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक रोड है और इस रोड पे दो कार्स जा रही हैं। ठीक है, बढ़िया सी कार बनाते हैं। दो कार्स जा रही हैं, एक कार तो हो गई आपकी ये टंग 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 टंग, ठीक है, एक कार हो गई ये। ये दोनों कार्स जा रही हैं और ये जा रही हैं, मान लो ये कार इधर जा रही है, इस कार का नाम हम लोग दे देते हैं बी और इस कार का हम नाम दे देते हैं ए। ये कार इधर जा रही है 15 मीटर पर सेकंड से और ये कार इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूँ VAB, अब अगर मैं बोल रहा हूँ VAB, तो मेरा मतलब है कि मुझे ए की क्या वेलोसिटी दिखेगी अगर बी से बैठकर मैं देखूंगा तो, है ना। VAB मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि मुझे बी की क्या वेलोसिटी दिखेगी अगर मैं ए से देख रहा हूं तो। अगर मैं बोलता हूं कि इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है और इसकी 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये तो मैंने ये नहीं बताया कि किसके रिस्पेक्ट में। तो जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी डायरेक्ट दी होती है बिना किसी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में, तो वो हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। अगर आपसे कह रहे हैं कि ये कार जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो आप सोचोगे भी नहीं कि किस कहां से देख रहा हूं, कैसे देख रहा हूं। क्लियर है कि मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं और ये कार मेरे आगे से निकल गई 10 मीटर पर सेकंड से। तो ये जो वेलोसिटीज दी रहती हैं, जिसको हम सिर्फ वेलोसिटी बोलते हैं, वो होती है बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। और ग्राउंड हमारा क्या होता है? रेस्ट पे होता है। तो हमने यही सोचा कि यार जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, यानी ग्राउंड ऑब्जर्वर है, तो जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो सामने वाली बॉडी की वेलोसिटी निकालना बड़ा इजी है। तो अगर मुझे किसी दूसरी जगह से इस बॉडी की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करना होगा, तो वो दूसरी जगह को भी मैं रेस्ट पे ले आऊं। लेकिन वो जगह रेस्ट पे नहीं है ना, तो उसको रेस्ट पे ले आऊं का मतलब क्या है? देखो, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका फॉर्मूला है बच्चों, VA माइनस
वी बी, लॉजिक के साथ बताऊंगा पूरा। हमने क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालने के लिए ए में से बी की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देना। सारे मार्कर आज गिरेंगे। क्यों कर देना है, है ना, क्यों कर देना है, ठीक है, बताते क्यों कर देना। तो हमने क्या करना है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालने के लिए ए में से जो बॉडी है जिसकी वेलोसिटी निकाल रहे हो उसमें से बी की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देना है। बी मतलब ऑब्जर्वर, ठीक। क्यों करना है, बहुत सिंपल सी बात है, तुम अगर थोड़ी सी मार्किंग्स ले लो तो तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। देखो, जैसे मैं मान लेता हूं कि ये दोनों बॉडीज एक ही पॉइंट से शुरू हुई, है ना, ये दोनों बॉडीज एक ही पॉइंट से शुरू हुई 15 मीटर पर सेकेंड, मीनिंग में जाओ ना, ये दोनों एक ही जगह से एक साथ स्टार्ट हुई और इसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, इसकी 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक ही जगह से एक साथ स्टार्ट हो गए तो 15 मीटर पर सेकेंड का मतलब है एक सेकेंड में ये 15 मीटर आगे होगी, एक सेकेंड में ये उस पॉइंट से 15 मीटर आगे होगी, लेकिन ये एक सेकेंड में उस पॉइंट से 10 मीटर आगे होगी, है ना। जैसे इस पॉइंट से दोनों शुरू हुई, एक सेकेंड बाद ये कार है यहाँ पे और ये यहाँ पर है, ये कार ए आगे वाली स्टार्टिंग पॉइंट से 15 मीटर दूर है आफ्टर 1 सेकेंड और ये वाली 10 मीटर दूर है आफ्टर 1 सेकेंड। तो इन दोनों का आपस का जो सेपरेशन है उसका चेंज होने का रेट क्या है, वो तो एक सेकंड में 5 मीटर ही चेंज हुआ। इसी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। देखो, वेलोसिटी क्या होती है बॉडी की, कि उसके डिस्टेंस के कवर करने का रेट, है ना, कि वो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुई कि दो बॉडीज का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कवर करने का रेट। ये एक सेकंड में 10 मीटर आगे गई, ये एक सेकंड में 15 गई, इसकी अपनी वेलोसिटी 15 होगी, इसकी अपनी वेलोसिटी 10 होगी, लेकिन इन दोनों का जो सेपरेशन है वो तो एक सेकंड में 5 मीटर ही चेंज हुआ। तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। अब वो हम हिसाब किताब लगाएंगे कि कौन सा किससे 5 आगे रहेगा, कौन सा किससे 5 पीछे रहेगा, तो वो हमको साइन भी इस फॉर्मूले से मिलेगा। तो यहां पर ये देखो ये कैसे आया, 15 - 10 = 5, है ना। तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी कह लो या बी विद रिस्पेक्ट टू ए कह लो, यहां पे देखो अगर मैं निकाल रहा हूं ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी ए को ऑब्जर्व किया जा रहा है बी से, तो ए क्या है 10 माइनस बी क्या है 15, आंसर क्या आएगा -5 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस में क्यों आया बच्चों, पिछले ही वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर 1D मोशन में हो हम और जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज उसमें यूज हो रही हैं 1D मोशन में, तो आप सबसे पहले उनको वेक्टर की तरह ट्रीट ही मत करो। देखो मैंने यहां पे कहां वेक्टर का साइन लगाया, ये वेक्टर का साइन भी मैं लगाऊंगा जब हम लोग बात करेंगे 2D मोशन की। तो देखो बड़ी कमाल की बात है, 1D मोशन में जो फॉर्मूले होते हैं 2D में भी सेम फॉर्मूले होते हैं, वेक्टर साइन लगा देते हैं हम लोग और उनको वेक्टर्स की तरह ट्रीट करने लगते हैं। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आगे बात करेंगे, लेकिन यहां पे मैं है तो ये वेक्टर्स, पर मैंने वेक्टर साइन नहीं लगाया, मैं स्केलर्स की तरह ट्रीट कर रहा हूं, किए जा सकते हैं, बस रिक्वायरमेंट ये है कि आप प्रॉपर साइन लो। आपका ये हॉरिजॉन्टल मोशन है ना, दोबारा बता देता हूं वही सारी बात है, आपका ये हॉरिजॉन्टल मोशन है ना, तो हॉरिजॉन्टल मोशन की एक डायरेक्शन आप फिक्स कर लो, आपने पॉजिटिव लेनी है दूसरी नेगेटिव लेनी है। तो जो बॉडी का जिस तरफ वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है या जो भी वेक्टर है उसका साइन उसके अकॉर्डिंग लेना। अब मैं फिक्स कर लेता हूं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और मैंने एक बात आपको और बताई थी कि आप हर क्वेश्चन के लिए ये फिक्स कर लो, क्योंकि ये ईजी रहता है समझना, प्लस एक्स माइनस एक्स इधर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो दोनों ही इस तरफ है, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हुई पॉजिटिव, इसलिए मैंने यहां पे पॉजिटिव पुट करा है, बट मेरा जो आंसर आया है वो नेगेटिव है। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, ऑब्जर्वर हमारा बी था, यानी बी जो है यहां से कोई ए को देख रहा है, बी से कोई ए को देख रहा है, और ए की उसके लिए वेलोसिटी है -5 मीटर पर सेकेंड। -5 मतलब हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से इस तरफ, यानी कि जब बी से बैठ के कोई ए को देखेगा तो उसके लिए ए उसे पीछे जाता हुआ नजर आएगा, पीछे मतलब इस तरफ जाता हुआ नजर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड से। ऐसा है भी ना, इसके लिए हर एक सेकेंड में, ए के लिए हर एक सेकेंड में बी 5 मीटर पीछे छूट रहा है,
और यही अगर आप निकालोगे VBA, VBA तो VB माइनस VA, VB 15 माइनस 10 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, VBA। तो यही 5 आ गई। अगर ऑब्जर्वर ए हो गया, यानी कि यहां से कोई बंदा जब इसको देखता है तो प्लस 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 5 इस तरफ, यानी कि जब यहां से इसको देखा जा रहा है तो इसे ऐसी फीलिंग आएगी कि ये इससे हर एक सेकंड में 5 मीटर इस डायरेक्शन में आगे होता जा रहा है, हो भी रहा है। समझ में आई बात? तो आप इस फॉर्मूले को, अभी तो हम लोग 1D में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लो। इसको ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को ए में से आपने घटाना है। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को जब आप ए में से घटा दोगे, ऑब्जर्वर आपका रेस्ट पे आ जाएगा, तब जो ए की वेलोसिटी होगी, जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे आ जाएगा, वही ए की वेलोसिटी होगी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। समझ में आई बात? हमने यहां पर ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लाए हैं। देखो एक और तरीके से मैं बताता हूं। यहां पर मैंने क्या किया, ये दो बॉडीज थी, है ना, जब मैंने ए का निकालना है बी के रिस्पेक्ट में, यानी ऑब्जर्वर बी है, तो ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लगाओ। ऑब्जर्वर 15 से इधर जा रहा है, इसको रेस्ट पे लाने के लिए 15 इधर लगाना पड़ेगा इस पे, यानी इस पे माइनस 15 करना पड़ेगा, तो मैंने इस पे माइनस 15 कर दिया, ये तो रेस्ट पे आ गया। लेकिन हमारी मर्जी थोड़ी है कि हम किसी भी एक पे कुछ कर दें। जो तुमने इसको रेस्ट पे लाने के लिए इस पे किया, वही इस पे भी करो। मैंने इसको रेस्ट पे लाने के लिए इस पे इधर 15 डाला, तो इस पे भी, इसको रेस्ट पे लाने के लिए इस पे भी इधर 15 डालो, तो 10 - 15 - 5, है ना। ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लाने के लिए जो उसमें तुमने प्लस माइनस किया है, वही दूसरी वाली में भी प्लस माइनस करो, तो दूसरी वाली बॉडी की वेलोसिटी हो जाती है वो ऑब्जर्वर वाली बॉडी के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। और एक बार आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी आ गई तो आपका आगे का काम बहुत इजी हो जाएगा, जब मैं इसके साथ एक्सेलरेशन और वो सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड करूंगा तो, ठीक। ये तो हो गया हमारा व्हेन द बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। नाउ इफ द बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, फॉर्मूला यही है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। अपोजिट डायरेक्शन है तो आप साइन उसके अकॉर्डिंग लो, साइन कन्वेंशन भी फिक्स कर दी मैंने, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है ना, उसको याद रखना। सो नाउ इफ द बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, ये दो प्यारी प्यारी सी हमारी कार्स आ रही हैं एक दूसरे की तरफ, क्या इरादे हैं भिड़ने के इनके, चलो कुछ भी हो हमें उससे क्या मतलब। एक बार आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना बच्चों, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और उससे रिलेटेड मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस जो आपको मुश्किल लगते हैं वो बहुत इजी हो जाएंगे। इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ बिल्कुल। मान लो ये 10 से इधर आती है, ये ए है, और ये 15 से इधर आती है, ये बी है, ठीक। तो आप ये मत समझना कि अब डायरेक्शन चेंज हो गई तो फॉर्मूला कुछ और है, फॉर्मूला यही है, ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लाना है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वी ए माइनस वी बी, ऑब्जर्वर है बी, ये ऑब्जर्वर है, इसको रेस्ट पे लाओ। इसको रेस्ट पे डाला तो 15 इधर है ना, तो 15 उधर डाल दो, रेस्ट पे आ जाएगा, तो इस पे भी 15 उधर डाल दो, 10 इस पे ऑलरेडी है उधर, तो 10 + 15 = 25, लॉजिक से फॉर्मूले से कर लो। वी ए कितना है, 10 माइनस वी बी, भैया इस तरफ वाली डायरेक्शन तो नेगेटिव है ना, तो वी बी को 15 नहीं लेना, माइनस 15 लेना है, तो ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि जब बी ए को देखेगा, बी जब ए को देखेगा तो ए उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी इस तरफ 25 मीटर पर सेकंड से आती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि एक सेकंड में 15 ये इधर आ जाता है और 10 ये इधर चला जाता है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस तो एक सेकंड में 25 कम हो गया ना। समझ में आई बात? और VBA फॉर्मूला वही है,
वी बी माइनस वी ए। वी बी कितना है, वी बी है आपका 15 माइनस माइनस 15 है ना इस तरफ, और ये है 10, तो माइनस 25 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या है कि जब अब ऑब्जर्वर ए है, तो जब ए बी को देखेगा तो माइनस में आए ना, यानी इस तरफ, तो जब ए बी को देखेगा तो बी उसे इस तरफ आती हुई दिखाई देगी 25 मीटर पर सेकंड से, और सही भी है ना, आप लॉजिक जान सकते हो, समझ सकते हो। ठीक, तो ये बेसिक फंडा है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो रिलेटिव वेलोसिटी के किस तरह के क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं देखते हैं। अब जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं उठाता हूं, ठीक, दो कार्स हैं इन दोनों कार्स के बीच का इनिशियली डिस्टेंस, कार की लेंथ को फिलहाल इग्नोर कर दो, जब लेंथ भी इंक्लूड करनी होती है तो क्या होता है उसकी बात हम करेंगे। अभी कार की लेंथ्स को इग्नोर कर दो, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स इनको मान लो, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स मानने के लिए हम डिस्टेंस ले लेते हैं सेंटर से, कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 400 मीटर है, और ये कार जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये कार जा रही है 15 मीटर पर सेकंड से, तो फाइंड द टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। सवाल ये है कि कितना टाइम लगेगा इस कार को, इसका नाम दे दो कुछ, कितना टाइम लगेगा कार ए को कार बी तक पहुंचने में। अब अगर आप इसको बिना रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से करते हो तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे इस तरीके से कि आप कहोगे 15 मीटर पर सेकंड, अच्छा ये यहाँ पर जाके मिलेंगे कहीं, है ना, ये आगे जा रहा है वो भी आगे जाएगा, यहाँ पर जाके मिलेंगे। बिना रिलेटिव वेलोसिटी के कराऊं, बिना रिलेटिव वेलोसिटी के क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि ये पॉइंट पी पे सपोज ये दोनों मिले हैं आके, है ना, जिसका डिस्टेंस यहां से मान लो एस है, तो फिर वो डिस्टेंस यहां से कितना होगा, 400 प्लस एस, यहां से डिस्टेंस कितना होगा 400 प्लस एस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहां से हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया ना कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के कितनी देर बाद वो मिलेंगे, मान लो टी टाइम बाद मिलेंगे, तो ऑब्वियस है कि इसको भी यहां से वहां आने में टी टाइम लगा होगा, इसको भी यहां से वहां आने में टी टाइम लगा होगा। ठीक, तो उस टी टाइम में, मतलब उतने ही टाइम में, इसने जो डिस्टेंस कवर किया, इसने उससे 400 मीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, है ना, तो डिस्टेंस एस जो है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, 10 इंटू टी, और इसकी अगर मैं बात करूं, ये तो बात हो गई बी की, अगर मैं ए की बात करूं तो इसका डिस्टेंस है 400 प्लस एस, ये है 15 इंटू टी में किया गया कवर, समझ में आई बात। तो ये दो इक्वेशंस बस हमने सॉल्व करके टी की वैल्यू फाइंड करनी है, यही तो हमको बोला है कि फाइंड द टाइम टेकन फॉर ए टू रीच एट दिस पॉइंट, या व्हेन विल ए मीट बी, है ना, तो टी हमको निकालना है, तो एस जो है वो 10t है, तो यहाँ पे 10t डालो, तो 400 भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, एक में दूसरे की वैल्यू डाल दी, प्लस 10t इक्वल टू 15t विच गिव्स 400 इक्वल टू 5t which gives t equal to 400 by 5, 80 सेकेंड। ठीक, ये तो आपका हमने कर दिया बिना रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट के, आप ऐसे करोगे, लेकिन अब इसको हम करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से, और हम देखेंगे कि ये कितना जल्दी हो जाता है। आंसर याद रखना है इसका 80 सेकेंड, चलो और लिखा रहने देते हैं, रब नहीं करते उसको। ठीक,
हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ऑब्जर्वर को रेस्ट पे ले आओ। आप सोचो कि ये बी ना होके एक दीवार होती और ये 400 मीटर के डिस्टेंस को इसने इस एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से कवर करना है, दीवार तक जाना है, तो कितना टाइम लगेगा? बच्चों वाला सवाल बन गया ये तो, सिक्स्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के सॉल्व हो जाएगा। तो यही तो है, ये हमारा जो ऑब्जर्वर है आप इसको रोक दो, आप इसको रोक दो। इसको रोकने के लिए आपको इस पे ये 10 इधर जा रहा है, आपको इस पे कितना लगाना पड़ा, 10 इधर लगाना पड़ा, तो इस पे भी 10 इधर लगा दो। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपने जैसे ही निकाला 15 माइनस 10, आपका ऑब्जर्वर रुक गया, आपका ऑब्जर्वर जो था वो रुक गया। और अब ये तो रुक गया, बात खत्म। तो ये इसकी तरफ 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ये इसकी तरफ 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से। अब ये रुक गया, अब इसको आप दीवार मान लो, 5 मीटर पर सेकंड से ये आ रहा है, 400 मीटर कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 80 सेकंड, एक बार में आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? ओके, तो यही तो मैं आपको बता रहा था कि एक बार आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा पकड़ में आ गया, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहां पर एक ऐसे क्वेश्चन के मैं बात करूंगा, यह कॉन्सेप्ट आपको आपको आगे काफी काम आएगा, जहां पर कि एक मूविंग बॉडी पे दूसरी बॉडी चल रही होती है, है ना। कुछ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, जैसे मान लेते हैं ये एक कन्वेयर बेल्ट है और इस कन्वेयर बेल्ट की लेंथ है 50 मीटर, एयरपोर्ट्स वगैरह पे होती है ना कन्वेयर बेल्ट, इसकी लेंथ है 50 मीटर और ये ऐसे चल रही है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक। अगर कोई बंदा इस बेल्ट पे इस तरफ से चलना शुरू हो, मान लो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो उसको इस बेल्ट को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, किसके लिए? यहां से कोई देख रहा है ऑब्जर्वर, यहां से कोई देख रहा है, तो ये देखेगा कि यार इसको कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, है ना, कि ये इसको देख रहा है कि ये 50 मीटर की लेंथ कितने टाइम में क्रॉस करेगा। तो यहां पर क्या फंडा है, यहां पर मुझे ये चाहिए कि मान लो ये मैन है एम, कन्वेयर बेल्ट है हमारी सी, कन्वेयर बेल्ट का नाम दे दो सी, और ये हो गया ग्राउंड। तो यानी कि मेरे को चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझ में आई बात। और अब आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, तो हम यहां पे वो अप्लाई करेंगे। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, va माइनस vb, है ना। तो अगर मैं उसको लिखता हूं va माइनस vb, तो मैंने आपको बताया कि ये जो a और b है, ये va और vb है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती हैं। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब होती हैं तो हम लिखते नहीं है ग्राउंड, अगर हम लिख लें तो ऐसा लिखा भी जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर आप इसको इस तरफ ले आओ, ऐसे, और इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिखूं, ध्यान से समझना ये सारी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वी ए जी इक्वल टू वी ए बी प्लस वी बी जी। क्या हुआ कि आपके क्वेश्चन में है 3 बॉडीज, 3 फ्रेम्स, एक तो बंदा जो कन्वेयर बेल्ट पे चल रहा है, एक कन्वेयर बेल्ट वो भी चल रही है, और तीसरा ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे है, ठीक है। तो ये है कोई 2 चीजें, ए, हाँ ठीक है, अच्छा अभी उसकी हम लोग बात करेंगे, ए और बी के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं ना। देखो यहां पर 2 चीजें थी ए और जी, लेकिन मेरे को पता है क्वेश्चन में एक तीसरी बॉडी भी है बी,
तो उस बॉडी की वेलोसिटी में कैसे रिलेट कराऊं, उसको बीच में डालो, इन दोनों के बीच में। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी इज वेलोसिटी ऑफ ए, पहले वाले से शुरू करो और नई बॉडी ये बीच में डाल दी, प्लस ये नई वाली बॉडी और ये फिर दूसरी वाली बॉडी, बीच में इसको डालना है ना। जैसे ए बी के लिए बताता हूं मैं आपको, जैसे या पी क्यू के लिए बताते हैं, ए बी तो हमने ले लिया ऊपर। वेलोसिटी ऑफ पी क्यू, वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, अब आपके क्वेश्चन में एक तीसरी बॉडी है आर, तो आप बीच में उसकी वेलोसिटी को इस तरीके से डालेंगे, वी पी को लिखा रहने दो, नई बॉडी डाल दो प्लस नई बॉडी और फिर दूसरी वाली बॉडी, तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। और लॉजिक मैंने आपको इसका पकड़ा दिया कि आया कहाँ से है, यहीं से आया है, इसको ही मैं इधर ले जाता हूँ तो ये फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन ये फॉर्मूला हमारे बड़े काम आता है। दूसरी बात यह है कि ये बात हमेशा याद रखो कि वेलोसिटी ऑफ ए बी इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी बी। हमने जितने भी एग्जांपल किए पीछे, पहले वाले एग्जांपल में ए विद रिस्पेक्ट टू बी माइनस फाइव आया, बी विद रिस्पेक्ट टू ए फाइव आया, दूसरे एग्जांपल में ए विद रिस्पेक्ट टू बी माइनस 25 आया, बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस 25 आया, तो हमेशा वी ए बी माइनस वी बी ए होता है। वो भी आपके काम आती है चीज की, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में वी आर क्यू ना पता हो के वी क्यू आर पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप यहां पर पुट करोगे तो इसको ऐसे बना लो फॉर्मूला, मतलब एक आपका ये बन जाएगा तो उससे सारे बन जाएंगे ना। वी आर क्यू नहीं पता मेरे को, वी क्यू आर पता है, तो वी आर क्यू क्या होगा, माइनस वी क्यू आर, तो उसकी जगह मैं ये लिख दूंगा, क्योंकि वैक्टर्स ही होते हैं ना। वी ए बी अगर इधर है तो वी बी ए इधर है, तो इसलिए उसका साइन नेगेटिव हो जाता है। ठीक, अब ये कॉन्सेप्ट देखो यहां पर मैं कैसे यूज करता हूं। मुझे चाहिए, और लैंग्वेज को पकड़ना बड़ा जरूरी है क्वेश्चन में। जैसे ये जो 2 मीटर पर सेकंड दिया है, ये होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होता है कि जब बी रेस्ट पे हो तो ए की क्या वेलोसिटी है ना। सो दी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट क्यों है, कि अगर बेल्ट रेस्ट पे होती, ये चल ना रही होती, तो मैन तो 2 मीटर पर सेकंड से ही चलना है उसको, तो तब तो फिर हम क्लियरली निकाल लेते कि ये रेस्ट पे है, फिर तो क्वेश्चन बच्चों वाला हो गया। ये मान लो एक स्टेशनरी प्लेटफॉर्म है, तो 50 मीटर कवर करने में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 25 सेकंड लगेंगे, बात खत्म हो गई, है ना। तो मैन की तो अपनी एबिलिटी है, वो कह रहा है कन्वेयर बेल्ट से मेरे को क्या लेना देना, ये रेस्ट पे भी होती तो भी मैंने 2 मीटर पर सेकंड से ही चलना था। तो ये जो एक मूविंग बॉडी पे दूसरी बॉडी जो चल रही होती है ना, ये हमेशा होता है कि वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी विद रिस्पेक्ट टू जिस पे वो चल रही है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट 2 मीटर पर सेकंड, इस तरफ वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, 2 मीटर पर सेकंड, है ना। और ये क्या है, बेल्ट कह रही है मैंने तो 1 मीटर पर सेकंड से चलना ही है, मेरे पे कोई चले या ना चले, तो मतलब ग्राउंड से जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो बेल्ट 1 मीटर पर सेकंड से तो चल ही रही है। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड, है ना, 1 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें तो ग्राउंड के फ्रेम से हम देख रहे हैं, तो तब हमको पता चलेगा ना, क्योंकि बेल्ट की ये जो लेंथ है 50 मीटर, ग्राउंड के फ्रेम से ये 50 मीटर है, तो मुझे ये देखना है कि जब मैं ग्राउंड से देख रहा हूं तो एक बंदा कितनी देर में चलता हुआ इधर पहुंचेगा। कॉमन सेंस लगाएं तो 2 मीटर पर सेकंड से वो चल रहा है और 1 मीटर पर सेकंड से बेल्ट भी चल रही है, तो काफी तेज तेज आगे जाएगा, है ना। लेकिन कॉमन सेंस इजी क्वेश्चंस में तो लग जाती है, डिफिकल्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला काम आता है, तो इसको हम उसी हिसाब से करेंगे। सो दिस इज व्हाट, बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वी बी जी 1 मीटर पर सेकंड, बट आई नीड वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। मुझे तो यह चाहिए कि यहां से देखने पर क्या हो रहा, तो बेल्ट एम और जी आ गया, बी रह गया, बी बीच में घुसाओ,
एम बी प्लस वी बी जी। क्या मेरे पास एम बी है? है। क्या मेरे पास बी जी है? है। सो इट इज 3 meter per second। ठीक। और डिस्टेंस कितना कवर करना है? 50 meter। तो टाइम टेकन टू कवर दिस बेल्ट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 50/3। तो टाइम टेकन इज 50/3 हो गया मेरा 116.6 सेकेंड। समझ में आई भाई आपको बात? इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करके और बात समझाता हूँ। मान लो ये बंदा इधर की बजाय दूसरी तरफ से स्टार्ट होता है, उल्टा चलता है, ऐसे पंगे भी लेते हैं ना कुछ लोग। मान लो ये इधर जा रहा है 2 meter per second से। तो बच्चों अब ये बताओ, अब ये तो इस तरफ हो गया ना, तो ये रहेगा तो यही मैन विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, लेकिन अब इस बार ये कितना हो जाएगा? -2। तो -2 + 1 इट इज -1, -1 meter per second। ठीक है। तो टाइम आपका आएगा 50/-1 यानी -50 seconds। तो टाइम नेगेटिव क्यों आया बच्चों? क्या यहाँ पे हमने कुछ गलती करी है? नहीं, हमने कोई गलती नहीं करी है। हमारी साइन कन्वेंशन की वजह से ये वेलोसिटी नेगेटिव है। हमने इस तरफ इसको लिया हुआ है वेलोसिटी को, है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड तो उसका 1 ही है। या तो आप ऐसे सोच लो, या आप ऐसे सोच लो कि जब अब मैं इधर से शुरू हुआ, तो मैंने क्या बोला था पिछले वीडियो में कि जहां से बॉडी स्टार्ट हुई वो ओरिजिन है, तो जब मैं इधर से शुरू होता हूं तो मैं जो डिस्प्लेसमेंट नाप रहा हूं वो भी तो फिर इस तरफ से लगेगी ना। तो टाइम मेरा कितना हो जाएगा? -50/-1 यानी इस केस में उसको 50 सेकेंड लगेंगे। ठीक है। आप ये कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये सारी मैंने बातें बताई कि कब किसके रिस्पेक्ट में क्या लेना होता है। अब क्वेश्चन है कि ट्रेन पे मंकी भाग रहा है ना, उसको ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हो या इसको किसी मूविंग बॉडी से ऑब्जर्व कर रहे हो। आप मान लो कि ये बंदा ग्राउंड पे नहीं है, ये खुद एक स्केटिंग बोर्ड पे चल रहा है इधर 5 meter per second से, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बजाय B विद रिस्पेक्ट टू बॉय, या इसका नाम कुछ दे लो, इसका नाम है चिंटू, तो B विद रिस्पेक्ट टू C लेना होगा आपको। समझ में आई बात? आपको एक ये रिलेशन बनाना अगर आ गया, आपने देखा कि ये मुझे नहीं पता क्वेश्चन में, अगर आपको ये नहीं पता और आपने देखा कि अभी तक इसको हमने इंक्लूड नहीं किया, तो इसका इससे रिलेशन डाल के सी बीच में घुसा के निकालो जिसकी वेलोसिटी चाहिए जिसकी नहीं चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि कार जा रही है, आगे थीफ की कार जा रही है, पीछे पुलिस की कार जा रही है, पुलिस ने गन फायर करा, बुलेट फायर करा, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कार इज दिस, तो वो क्या है? वो है बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार, विच इज, ये भी चीज यहां पे काम आएगी ना, जो पुराना वाला फॉर्मूला उसको मत छोड़ देना, वी एम बी इज वी एम माइनस वी बी, है ना, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो वो बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार होती है कि पुलिस, उसने गन चलाई अपनी कार से, अगर उसने अपनी कार से गन चलाई तो कार ना भी चल रही होती, गन की तो उतनी एबिलिटी है ना कि कार चाहे रुकी होती चल रही होती उसको उससे क्या लेना देना। गन से निकलना है 400 meter per second से सपोज, तो ये क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार, कि कार अगर रेस्ट पे होती तो इतने से बुलेट निकलती। अब बुलेट तो अभी भी इतने से निकलेगी, लेकिन क्योंकि कार भी चल रही थी तो सामने वाले को बुलेट और कार दोनों चीजें जो चल रही हैं उसका कंबाइंड इफेक्ट है जो वो उसको लगेगी जाके। तो थीफ को जो लगेगी वो उसकी जो वेलोसिटी है बुलेट की थीफ के रिस्पेक्ट में उससे लगेगी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ, है ना। बट मैं डिटेल में वो क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लूंगा, बट उससे पहले मुझे एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाना पड़ेगा रिलेटिव एक्सेलरेशन का, है ना। मैं चाहता हूँ
इतना आप रिलेटिव वेलोसिटी पे याद रखो, और जो इस पे थोड़ा हैवी क्वेश्चन बनेगा वो बीच में जब घुसेगा रिलेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट तब बनेगा, लेकिन दिक्कत उसमें कोई नहीं है, एक्सेलरेशन पे सेम फंडा लगेगा। उस पे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूँ, फिर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट बीच में घुसा के हम इक्वेशंस ऑफ मोशन भी लगाएंगे रिलेटिव मोशन में। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। बट और हैवी क्वेश्चन इसमें मैं इंक्लूड करूंगा, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में आगे बहुत सारी बातें होंगी 2D में और रिलेटिव एक्सेलरेशन वाले कॉन्सेप्ट में, है ना। तो बस अभी इसको यहीं ख़त्म करते हैं, ये बेसिक था रिलेटिव वेलोसिटी का, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ओके।